बच्चे, अच्छा आ गया, अच्छा आप पढ़ के आई हो, आप पढ़ के आई हो। करती रही थी, कुछ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आराम से उसके बाद मैंने लेफ्ट बाजू पे लगवाई थी, उसके बाद आराम से मैं ड्राइव भी करती रही, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा चलो थोड़ी बीमार होंगी, लेटूंगी, मजा करूंगी, कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची संभाली गई, एक तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि असल में सही है पासवर्ड, और वैसे भी पाकिस्तान, लेकिन वो चाइना की कोलैबोरेशन से ही बनी है। मुझे बच्चे बता रहे थे कि बेसिकली वो चाइनीज की मदद से ही इन्होंने बनाई है शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन अच्छी होगी अगर बुखार वगैरह भी हुआ तो, आई थिंक अच्छी होगी वो। हाँ वो साइनोवैक में भी तो कहते हैं कि वो साइनोवैक में, वहाँ पे एक आंटी कह रही थी, कहती है कि बेटा मुझे बताओ मैं 2 साल बाद मर जाऊंगी। वो सीरियसली पूछ रही, तो मैंने कहा कि आपको अगर पता है कि 2 साल, अगर आपको ऐसे लगता है आप मर जाएंगी तो ना लगवाए, इतनी क्या है। कहती है नहीं अब मैं क्या करूँ, मैंने पहली डोज लगवा ली है। तो ये भी एक फजूल बात चलाई है, 2 साल बाद मर जाएंगे। भाई आजकल जो हालात जा रहे हैं, 2 साल तक कोई जिंदा रहे तो बड़ी बात है, आजकल हर दिन कोई ना कोई मर रहा है बेचारा। चलो बेटा कौन कौन पढ़ के आया है, चलो फिर तुम तीनों ने मतलब पाक पैक लगवाई और पढ़ा लेंगे, ठीक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम एक छोटा सा मेरा ना क्यूरी है, इफ यू कैन गाइड मी ऑन दिस। मैम मैंने ना साइनोफार्म लगवाई थी फर्स्ट डोज, और मैम अब ना साइनोफार्म साइनोवैक दोनों शॉर्ट है, तो मैम मैं क्या करूँ, क्या वेट करूँ या कोई और वैक्सीन ऐसी है जो लगवा सकती हूँ सेकेंड डोज में? आगे भी है, बल्कि आजकल भी लगवा लो वरना फिर से शॉर्ट ना हो जाए। यही लगवाओ जिसकी फर्स्ट डोज लगवाई है ना, वही लगवाओ। ये क्या बोलता है भाभी, आइसका भी नहीं, इसको आइसका ब्रश लगा दे। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस मैं कह रही हूं कि आ रही है मैम। मैम बहुत देर कर दी आपका, आ गई भी है। एक सेकंड में पूछ, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस मैम आ रही है बहुत जोर की, पता आवाज इनको नहीं आएगी, इनको बंद कर दो। मैम हमें आ रही है आवाज, फिर भी कहेंगे कि नहीं आ रही। जी मैम आवाज आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो साइनोवैक वाली जो भी बच्ची है, जो भी कह रही थी, वो साइनोफार्म हाँ, तो इसी बेटा इसी की दूसरी डोज लगवाओ, ऑब्वियसली आ गई है। लाइक मेरी मामा कल जाके लगवाएंगे। दो वीक से वेट कर रही हूँ मैम। मैंने एक्सपो से लगवाई थी, तो मैम कहाँ से लगवाई आपकी मदर ने? मेरी उन्होंने लगवाई है DHA Phase 6 से, वो वहां पे नहीं है जो है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। ओके मैम ठीक है, थैंक यू, वेलकम। अल्लाह करे आप तुम्हें मिल जाए, वरना आई मीन थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरी बात सुनो, कौन कौन पढ़ के आए हुए, हैंड रेस करो, पढ़ के आए हुए हो? वैसे ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट तो नहीं है, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। हाँ ये BS जैसा लगता है मुझे, बिहेवियरल साइंसेस पढ़ा हुआ है ना, ये उस जैसा, उसका रिश्तेदार ही है, मतलब मैं आजकल वो पढ़ा रही हूँ ना। कौन कौन पढ़ के आए हुए, हैंड रेस करो। अच्छा सलीम, बाकी बच्चे क्यों नहीं पढ़? अली रजा आप पढ़ के आए हुए हो? अच्छा क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? लास्ट टाइम आप लोग भी हैंड रेस कर सकते हो। मैम तो
नहीं मैं खुद पूछूंगी. अली रजा मैम नहीं, मैं नहीं पढ़ के आया इसलिए मैंने नहीं किया है. नहीं पढ़ के आया क्यों? मैम मैंने लास्ट क्लास नहीं ली है. अच्छा चलो ठीक है. सलीम सलीम बेटा आप बताओ. सलीम नवीद ये लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बताओ. मैम हमने वो पढ़ी थी मेडिकेशन सेफ्टी पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन लोग मतलब रिस्क पे होते हैं मतलब मेडिकेशन एरर्स के अंदर. वो हमने बताई थी कि किस तरह की एरर्स होती हैं, प्रेस्क्राइबिंग होती हैं और डिस्पेंसिंग होती हैं. और आपने 5 आवर्स का प्रिंसिपल पढ़ाया था कि हम लोग उसको मतलब राइट डोज राइट पेशेंट राइट वे और मतलब इस तरह का बताया था. और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था कि जो मतलब मेडिसिन होते हैं उनके एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक जो होती हैं उनके मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में बताया था. और आपने बताया था कि जो हमारे पास प्रेस्क्राइबिंग एरर्स होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, कि अगर कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को उसने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है तो उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और या वो मतलब उनका नेम दोनों कॉमन था और वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या एक बार आपने बताया था कि 0.1 ग्राम देनी है तो या उसकी बजाय 1 ग्राम लिखा गया, इससे क्या एरर्स आ सकती हैं प्रेस्क्राइबिंग में. वेरी गुड ठीक है बेटा वेरी गुड ठीक है. यही पढ़ा था हमने मेडिकेशन सेफ्टी पढ़ा था. ठीक है आप लोग पढ़ लेना बाद में. वैसे भी 1 क्रेडिट आता है तो मतलब एक ही एग्जाम होना है इसका. अच्छा आज बेसिकली हमने पढ़ा है कंसेंट. ये क्या होता है कौन बताएगा? मैम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लिया जाता है कोई भी. मैम उसकी हिस्ट्री लेने से इजाजत लेना, इजाजत लेना कि हम लोग एक प्रोसीजर करने लगे. वेरी गुड मैम. उसकी हिस्ट्री लेने से पहले उसका मतलब कोई भी प्रोसीजर या उससे पहले कंसेंट लिया जाता है कि पेशेंट से पहले परमिशन लेते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले. और अगर बच्चा है छोटा है तो लाइक जिस तरह अगर 13 ईयर से छोटा है तो फिर हम उसके पेरेंट्स से लेंगे. ठीक है yes, और ये लेना बहुत जरूरी है. जिस तरह हम लोग अक्सर यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स वगैरह ही करते हैं कि जल्दी में जिस तरह कर रहे हैं तो कहते हैं कि चलो छोड़ो इसे क्या पता और ये वो, लेकिन ये जरूरी है कि आप पेशेंट की मर्जी से उसका प्रोसीजर करो. मैम उसको बताना चाहिए साइड इफेक्ट्स क्या है मतलब और इसके मतलब क्या प्रोसीजर होगा. मैम पूरा प्रोटोकॉल जो भी आउटकम्स होंगे सारा हम उसको पहले बताएंगे. हाँ बेटा पहले मैं नाम भी बताया करूँ, इस तरह मुझे पता तो लगे कि कौन जो है कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा. ठीक है वेरी गुड. चलो आज बेसिकली हमें कंसेंट ही पढ़ना है. मुझे गर्मी लग रही है. अच्छा अब बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट. ठीक है एक तो मास्क से भी ना सांस मेरा बंद हो जाता है, उसकी गर्मी लग रही है. उतार दो तो तुम लोग तो पता नहीं पाक वैक वगैरह मतलब अच्छी वैक्सीनेशन लगा रहा है लेकिन तो मुझे तो डर लगता है ऊपर से पता नहीं. देखो चलो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. कैमरा क्यों मैं ऑन करूं? क्यों तुम लोग यहाँ में फिल्म नहीं दिखा रही? मैम अभी तक देखा नहीं है आपको. मैम कर दे ऑन अच्छा लगता है अभी. मैम आपको देख के पढ़ना अच्छा लगता है. मैम कर दे ऑन. नहीं मैंने कोई नहीं ऑन करना. कैमरे में बंदा बहुत फनी आती है उसकी. नो मैम मैम ऐसी तो बात नहीं, जैसे बंदा होता है वैसे ही आते हैं. मैं बहुत बूढ़ी सी आओगे ना तो मैं बहुत बूढ़ी सी हूँ. मैम हम बर्दाश्त कर. मैम यही तो देखना चाहती हूँ. मैम आपकी आवाज से पता चल रहा है बहुत हसीन है. मैम आपसे पढ़ा हुआ पहले वैसे. ऑफर लगाना बस कर दो. 1 क्रेडिट आ रहा है कोई नहीं. टॉप मैम एक बार दिखा दे बस. मैम थोड़ी देर के लिए ऑन कर दे. ऑन करें मैम प्लीज. आईडी कार्ड जैसी पिक्चर आपकी. मैम इतनी तो सेलिब्रिटीज के भी रिक्वेस्ट करें तो मैं मान जाऊं. इन सब ने मुझे देखा हुआ अच्छे तरीके. चलो ठीक है मैम. चलो आप कौन थे मैम? हेलो हेलो आज पहुंच गई हो आज. अच्छा आप कंसेंट पढ़ेंगे. आप बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है जब आपकी थी आवाज आ रही है मेरी क्लियरली या नहीं आ रही? यस मैम आ रही है. मैम बहुत ज्यादा क्लियर है. फोटो नहीं आ रही. अच्छा
आपने जिस तरह जब बिहेवियरल साइंसेस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये एक एथिकल प्रिंसिपल भी है कि आप कॉन्सेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये बेसिकली ये चीजें आपने ये एथिकली पूछना बहुत जरूरी है पेशेंट्स से, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आपने कोई भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है, कोई टेस्ट करना है, इवन एग्जामिनेशन से पहले भी आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको मेरी शिकायत ही ना हो जाए कि मास्क नहीं लगाते, यहाँ कहना भी है ना। बाकी कोई टीचर उतारती है पढ़ाते हुए? चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता है कि ये एक पेशेंट का राइट है कि आप कोई भी प्रोसीजर करने लगो तो आप उससे पूछोगे, ठीक है। ये बेसिकली एक पेशेंट का राइट है कि आप कोई भी प्रोसीजर या एग्जामिनेशन करने लगो तो आप उससे पूछो, बेटा आप मुझे इतने गुस्से से क्यों देखती हो, आप ये मेरून दुपट्टे वाली आप मैं हाँ आप और बेटा मैं आपको बुलाती हूँ तो आप ऐसे करती हो। मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर वैलिड कंसेंट, ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस मैम। देखो कि बेसिकली ये है कि आप ये देखो बेसिकली अब हमने देखते हैं कि कंसेंट जो है वो वैलिड कब होता है, ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया है वैलिड कंसेंट का। इसमें तीन चीजें हैं, कैपेसिटी, इन्फॉर्म और वॉलंटरी, ये हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आपका बेटा क्या नाम था, ज़ैनब क्या, ज़ारा, हाँ मुझे जिसका नाम ही ना आता मैं कहती हूँ ज़ैनब, क्योंकि ज़ैनब ज़ारा। ज़ारा आज ना मेरी अटेंडेंस लगा देना, वो जो आप और आप, आपका क्या नाम फिफ्सा आए थे ना एक दिन पहले, और रिमशा भी आई। अच्छा, अब कैपेसिटी क्या होती है, ये बेसिकली ये है कि आप ये देखो कि वो पेशेंट जो है इतना कॉम्पिटेंट है कि वो कंसेंट दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो कि वो, और ये कि उसमें एक पेशेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो आप जो उसको चीजें बता रहे हो वो चीज उसको उसकी समझ आ रही है, और ये कि बेसिकली ये कि वो उस इंफॉर्म वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने कौन सा प्रोसीजर कराना है और कौन सा नहीं। हाँ बिल्कुल, कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह रिमशा बता रही है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर ड्रग एडिक्टेड या कोई इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल देखो कोई बायपोलर का पेशेंट है और वो इस वक्त इस फेज में है कि वो नहीं बता सकता कि उस, देखो वो तो इस स्टेट में है कि आप उसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो ट्रॉमा का केस है या अनकॉन्शियस, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अनकॉन्शियस आया है अगर पेशेंट तो उस वक्त उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं है, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आया तो ऑब्वियसली आप उससे कॉन्सेंट नहीं लेंगे, आप फॉरन उसकी एयर वे ब्रीदिंग वगैरह स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो एक जिस तरह इमरजेंसी के केसेस आते हैं कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले आपने उसकी आपने ABCD पढ़ा होगा, तो सबसे पहले वो अब आपका अपना राइट है, आप कैसे डॉक्टर हो उस पर डिपेंड करते हैं, उसमें ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट ही ले सकते हैं, ये एक कॉमन सेंस की बात है। और छोटे बच्चे लाइक 13 ईयर्स से जो छोटे वो भी नहीं, उनको इतना नहीं पता होता कि आप देखो छोटे बच्चे से पूछोगे कि आपको मैं इंजेक्शन लगा दूं तो वो ऑब्वियसली ये कहेगा कि नहीं भाई जाए यहाँ से, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन का इतना ज्यादा फोबिया होता है, तो उसमें यही है कि आप बेसिकली आपने पेशेंट से सब पेशेंट के लिए सॉरी पेरेंट्स से कंसेंट लेना होता है। अच्छा, अब ये है कि द नीड फॉर एक सेकेंड ये यहाँ भी जा रहा है। अच्छा, अब ये देखो इन्फॉर्म्ड, हम इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों कहते हैं, इसका ये मतलब है कि बेसिकली हमने पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्म देखो इन्फॉर्म का वर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, बेसिकली इन्फॉर्मेशन से ही बना है ना इन्फॉर्म का, इसका ये कि आपने बेसिकली पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में कि लाइक इसके क्या आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसको बताओ कि क्या रिस्क जो आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कीमोथेरेपी होनी है तो आप बताओ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल इसके या आप कोई ऑप्शन बता रहे हो कोई इसके पास ऑप्शंस है तो हर ऑप्शन के बेनिफिट्स बताओ, हर ऑप्शन के मतलब रिस्क वगैरह बताओ, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। मैं भी ये भी बताते हैं कि ये जो प्रोसीजर हम करने लगे इसमें कितना टाइम लगेगा हीलिंग के अंदर, मतलब ऑपरेट करना होगा तो मतलब हीलिंग में कितना ड्यूरेशन लगेगा, इस तरह का बताते हैं। गुड। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है, नाम भी मुझे अपना नाम भी बताओ ना ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चे पार्टिसिपेट। मैम सलीम नवीद। हाँ सलीम, सलीम, वेरी गुड।
अच्छा चलो, इसमें यही है कि इन्फॉर्म का मतलब है कि आपने पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि बेनिफिट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और जिस तरह इसके नाम से ही पता लग रहा है इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन इस सब देते हैं। सारा नहीं आई, सारा मुझे पता है। हाँ जी मैम, कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना हो, कोई सर्जरी वगैरह, तो उससे पहले भी इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है ना कि इनकेस अगर कुछ हो जाता है तो उसमें फिर डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी इसकी, इसलिए भी वो सिग्नेचर कराते हैं। इसलिए भी सिग्नेचर कराते हैं कि आप जब फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ है उनका सी सेक्शन होना है इस तरह या बीवी इस कंडीशन में नहीं है तो मियां से साइन कराते हैं कि मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाद में डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खुद इन्होंने इजाजत दी है करने के लिए। गॉड फॉरबिड कुछ भी हो सकता है, लाइक आप कोई भी प्रोसीजर डॉक्टर करते हैं तो उसको 100% नहीं बता होता कि ये कामयाब हो गया, कोशिश अलबत्ता पूरी करते हैं कि वो मतलब सक्सेसफुल हो। मुझे इतनी प्यास लग रही है, किसी के पास पानी है? अच्छा अब वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? आपकी हार्ट बीट ये सारी चीजें इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है। वॉलंटरी होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज करें, ठीक है। इसमें यही है कि आपके एक पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी से बता रहा है, उस पर कोई प्रेशर वगैरह ना हो कि उस पर फॉर एग्जाम्पल किसी का, जिस तरह अगर कोई पेशेंट ठीक है मतलब 18 ईयर से बड़ा है या एक एडल्ट है और उस पर किसी किस्म का इधर उधर से प्रेशर ना हो कोई भी, वो अपनी मर्जी से करा रहा हो जो भी करा रहा है, ठीक है जी। हाँ एबॉर्शन केसेस से बिल्कुल, कि आप बेसिकली एबॉर्शन में देखो ये है कि आप जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल वो कोई मदर है वो नहीं कराना चाह रही लेकिन उस पर प्रेशराइज कर रहा है, मतलब उसके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि नहीं हमने एबॉर्शन कराना है वो, तो आपको ये चाहिए कि आप पेशेंट की बात सुनो, मतलब जो अगर जो वो कह रही है लड़की आप उसकी बात सुनो, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे ही देखो बेटा, हर एक ना आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो ना तो ऐसी ऐसी कंडीशंस देखने को आती है जो आपको बुक्स की, उस वक्त आपने अपनी कॉमन सेंस देखो, अगर एक चीज़ एक पेशेंट जो है वो नहीं विलिंग हो रहा और वो चीज़ असल में उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके पेरेंट्स या उसके साइड वाले, अब देखो वो पेशेंट का अपना, या तो ये भी हो सकता है कि वो मेंटली इतना स्ट्रेस्ड आउट हो कि वो ये ना चाहता हो कि मेरी सर्जरी हो, जिस तरह एक फोबिया भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे ख्याल से अगर उसकी जान किसी चीज़ से बच रही है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कि फिर आपको वो चीज प्रेफरेंस आपका ना पेशेंट की, बस पेशेंट का अच्छाई आपके ज़हन में होनी चाहिए कि किसी तरह आप काउंसलिंग भी कर सकते हो उसकी, लाइक आप ये करो कि उस वक्त ना करो, आप थोड़ी सी काउंसलिंग कर दो, और पेशेंट जो लोग जितने मर्जी रिजिड हो वो डॉक्टर की बात मान लेते हैं, हाँ फैमिलीज को बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है हर कोई लेकिन ये है कि डॉक्टर्स की बात मान लेते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। आज का लेक्चर वैसे मैंने ना आज खुद ही मैंने कहा चलो आज आसान लेक्चर पढ़ाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछला लेक्चर आसान ही था लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव था, ठीक है। आज इन्फॉर्म, अच्छा ये चीजें तो वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पेशेंट सेफ्टी वन में भी पढ़ी हुई है, बिहेवियरल वैसे मुझे तो अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट, अच्छा है। अच्छा अब ये देखो हाउ लॉन्ग इज कंसेंट वैलिड फॉर, अब देखो कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि वो पेशेंट खुद से इनकार ना कर दे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने कहा है आपको कि ठीक है मैं करा लूंगा, अब अगले दिन वो आके कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई मतलब, वो ये कहते हैं कि नहीं अभी मैंने नहीं कराना, मैंने कोई सर्जिकल इंटरवेंशन है, ठीक है, या कोई सर्जरी है, तो उसमें ये है कि अगर वो पेशेंट कहते हैं कि नहीं एक अभी अभी मैं नहीं कराना चाहता, मुझे एक दो डॉक्टर से और पूछ के दे, मैं फिर कराऊंगा, तो उसने अब आपने ये नहीं करना कि पेशेंट से लड़ना शुरू हो जाए कि नहीं नहीं मतलब डॉक्टर को ये हो कि मेरे इस सर्जरी में, मतलब आपने ना बेसिकली ये करना है कि आप इंशाल्लाह कल को क्लिनिक्स में जाओगे तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे पीछे रखना है, सबसे पहले पेशेंट को, और यही एक डॉक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक डॉक्टर इंसानियत के लिए करता है, तो उसमें आपने अपने पैसे बनाने में नहीं वो ज्यादा ध्यान देना, आपने पेशेंट किए, तो ये कि
एक पेशेंट का ये राइट है कि वो किसी भी वक्त अपने मतलब वो ये कह सकता है कि मैंने नहीं करानी है, ठीक है, जिस तरह मुझे सेकंड ओपिनियन ले लेना। हाँ जी रिंचा, हाँ वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर अगर सेकंड ओपिनियन का कोई पेशेंट कहता है तो वो उसके जहन में कुछ ना कुछ होता ही है। लाइक जिस तरह अक्सर लोग ये देखो ना कि जिस तरह अगर कोई रिलेटिव वगैरह बता दे कि तुम इस डॉक्टर के अलावा किसी और से ओपिनियन ले लो, आप उसे कहो कि ठीक है आप ले लें सेकेंड ओपिनियन, उसके बाद अगर जो उसको ऑब्वियसली देखो अगर सेकेंड ओपिनियन के लिए, ये बेसिकली सेकेंड ओपिनियन के लिए अगर कोई कहता है तो कोई बात नहीं, उसमें डिले ही हो जाएगा ना सेकेंड ओपिनियन लेने के बाद। लेकिन हाँ आप पूछ दो कि आप किसी के प्रेशर में आके तो नहीं ये कर रहे, पेशेंट से पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। लाइक आपको वो थोड़ा बहुत वैसे भी खुद ही डॉक्टर को पता लग जाते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा बहुत आपको वो पता लग जाते हैं कि पेशेंट प्रेशर में तो नहीं। आप पूछ दो कि आप किसी कोई आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहे इस तरह, ठीक है। अच्छा अब इसमें यही है कि बेसिकली ये है कि आपके पेशेंट मतलब कॉन्सेंट तभी वैलिड तभी तक रहता है तब जब तक ये पेशेंट जो है वो खुद ना विदड्रॉ वगैरह कर ले, ठीक है। और ये बेसिकली एक ये भी है कि पेशेंट जो है वो मतलब ये कहते हैं कि मैंने किसी और से सेकंड ओपिनियन लेना और फिर मैं कराऊँ, ठीक है, तो वो आप उसको कहो कि ठीक है जैसे आप है ना, बेसिकली पेशेंट को यही फील कराना है ना कि आप उसका बेस्ट इंटरेस्ट सोचते हो, लेकिन इसमें आपकी अपनी मर्जी भी हर चीज में शामिल। हाँ वही ना, जिस तरह सेकेंड ओपिनियन के लिए वो कहते हैं, तो ये है कि आप देखो किसी को भी आप सर्जरी का कहोगे ना तो वो सबसे पहले कोशिश यही करता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ या कोई और ऐसा डॉक्टर ढूंढूं जो दवाइयों से मेरा इलाज हो। ये नेचुरल सी बात है, देखो अल्लाह माफ करे आपको कोई सर्जरी का फीका तो आप नहीं कोशिश करोगे पहले कि अल्लाह करे कि सर्जरी टल जाए और मैं दवाइयों से करूँ। तो ये एक पेशेंट का राइट है, और ये कि एक दफा तसल्ली करके पेशेंट आएगा ना तो वो बाद में भी एतराज़ कम करेगा। आपका नाम क्या था? जारा। जारा हाँ मेरी मामा का नाम जारा। चलो आप सबके ऐसे नाम रखती हूँ कि ये इसका नाम मेरी बहन जैसे इसका मेरी माँ, फिर मुझे याद रहेगा। अच्छा why is consent crucial? अच्छा agrees। अच्छा आप देखते हैं, it is important to help care that a patient is receiving care or treatment agrees to receive it, ठीक है। the principle of consent is an important part। चलो मैंने कहा साइड में पढ़ लेते हैं। And the international, अच्छा, valid consent to treatment is therefore absolutely central in all forms of healthcare, from providing personal care to undertaking major surgery. Seeking consent is common courtesy between healthcare professionals, healthcare staff and patients. ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि आप ये देखो कि consent जो है वो यही होता है ना कि आपका patient जो है वो agree कर रहा हो कि हाँ मैं procedure करा लूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपने ये लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कंसेंट ले रहे हैं वो वैलिड है। लाइक जिस तरह ये वैलिड है, जिस तरह हमने पहले ये बातें की है कि मतलब वैलिड होना चाहिए और पेशेंट मतलब इतना सेंसिबल हो और इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो कंसेंट दे सकता, ठीक है। जिस तरह छोटे बच्चों को आप दे ये नहीं छोटे बच्चों से नाम लेने बैठ जाएंगे, जो देखो अब एक 10 साल का बच्चा है, आपको पता ही होगा कितना होता है 10 साल का बच्चा, घूमने बारे में नहीं आप उसको बताओगे भी तो उसे नहीं पता लगेगा कि आप क्या उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे रहे हो और ये चीजें, ठीक है। कंसेंट इसीलिए कि और ये बेसिकली एक बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप कंसेंट नहीं लेते और खुदा ना खास्ता कल को पेशेंट को कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी आपके आ जाती है, तो लेना चाहिए। लाइक जिस तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हम, जिस तरह आपने पढ़ा होगा पेटर्नलिस्टिक एटीट्यूड जो रखते हैं डॉक्टर्स, या आपने BS में पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं कि नहीं हम ही अपने पेशेंट का सबसे अच्छा सोच करिए, लेकिन अगर आपका पेशेंट कॉम्पिटेंट है तो वो आप ना करो, आपका पेशेंट अगर कॉम्पिटेंट है तो आप उससे लो, ठीक है। अच्छा अब इसमें यही है कि पेशेंट का पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आप ये देखो कि पेशेंट्स जो होते हैं वो अगर आप उनको बता दो कि आपकी सर्जरी होनी है या ये, तो वो कितने ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, मतलब वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि मतलब पता नहीं सर्जरी, इवन माइनर से माइनर सर्जरी भी हो ना तो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। एक तो जर्नल एनेस्थीसिया ऑब्वियसली ज्यादातर जर्नल में ही होती है सर्जरी, लोकल में भी हो जाती है लेकिन ज्यादातर जर्नल एनेस्थीसिया में होती है, ठीक है। तो उसके आप देखो कि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जर्नल एनेस्थीसिया, क्योंकि उसके बाद हल्की हल्की सी हेडेक फील होती है और इस तरह। तो आप ये देखो कि पेशेंट अगर आपसे ये पूछेगा, मतलब ये एक नॉर्मल है कि पेशेंट आपसे पूछे
कि जी मुझे दर्द तो नहीं होगी या इसके बाद मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा से करने के काबिल हो जाऊंगा या नहीं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप जिस तरह पेशेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा और आप जो है आवाज़ रोना शुरू हो जाए कि क्या है इतने सारे सवाल। अब देखो उसको एम्पैथी जिस तरह हम कहते हैं बीएस में कि आपने पेशेंट से एम्पैथी शो करनी है, कि आपने बेसिकली ये सोचना है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता या मैं क्या एक्सपेक्ट करता अपने डॉक्टर से, ठीक है, साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फाई करना। बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन कर लूं? यस मैम, कर ले मैम। आ सलीम पहले मैं सोच देख रही हूँ ना कि क्या क्वेश्चन करूँ आप लोगों से। चलो ठीक है। अच्छा मुझे कौन बच्चा बताएगा कि कैपेसिटी और इन्फॉर्म्ड क्या होता है और वॉलंटरी, इन तीनों में कौन डिफरेंस बताएगा? आप लोग भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं बताऊं? नहीं 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 मैं बताऊं। जिन बच्चों ने पहले मुझे आंसर दे दिया वो नहीं, उनसे नहीं पूछना। आमना इदरीस बेटा आप बताओ। आमना इदरीस, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कैपेसिटी, इन्फॉर्म्ड और वॉलंटरी, ये इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि इन तीनों का क्या क्या मतलब है। आमना, आमना कहाँ गई है? आमना फारूक बेटे आप बताओ। आमना फारूक आप बताओ कि कैपेसिटी, इन्फॉर्म्ड और वॉलंटरी का क्या मतलब है? इतना आसान ही किया मैंने, आसान क्वेश्चन किया, आसान ही है। और मैंने पहले साइंस भी दिखा दी है कि थोड़ा सा जिस तरह की किसी को नहीं आता तो। आमना, आमना लेक्चर ले भी रही हो या नहीं? मैम ग्रुप में सैयद मोहम्मद अरशद कह रहा है मैम से कि मेरे से पूछे। क्या मैम? सैयद मोहम्मद अरशद कह रहा है मैम से कहे मेरे से पूछ ले मुझे आता है। वो आपके साथ बैठा हुआ है? मैम ग्रुप में मैसेज कर रहा है। नहीं नहीं आमना से मैंने पूछना, आज आमना फारूक से पूछना। आमना फारूक कहाँ गई है? आमना फारूक आपकी किसी की फ्रेंड है? आमना फारूक वो गायब हो गए यहाँ से। आमना इदरीस बताया, सारी आमना की शामिल। आमना इदरीस बताएगी। आमना इतना आसान मैंने क्वेश्चन किया, थोड़ा सा बता दो। देखो मैं तो ज्यादा वो भी नहीं कहती कि बिल्कुल सही से ही बताओ। आमना इदरीस बताएगी। आमना फारूक या आमना इदरीस में से कोई भी बता दो। मैम आमना फारूक कह रही है मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा। कौन सी आमना कह रही है? फारूक। आमना फारूक। और आमना इदरीस कहाँ है वो उसका भी माइक का पता करो। अमरीन बख्श बताएगी। अमरीन बख्श बेटा आप बताओ, अभी मैंने क्या बताया? कैपेसिटी, इन्फॉर्म। अमरीन बोलो। जी मैम। जी कैपेसिटी, कैपेसिटी इन्फॉर्म और वॉलंटरी का बताओ। हाँ 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 वही बताओ। जी मैम वॉलंटरी जो है ना वो ये कि कोई भी काम जो है खुद करना, और कैपेसिटी में इन्फॉर्म में यह कि पेशेंट को हम सारे जो सिचुएशन है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे उसे पूछ के जो भी इसका मसला होगा। तो ठीक है। और कैपेसिटी बताओ क्या है? कैपेसिटी क्या है बेटे? चलो ठीक है दो तो बता दिए ना, कोई बात। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कैपेसिटी आप में से कोई बता दो। मैं बता दूं। एबिलिटी ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड। हां कॉम्पिटेंट बेसिकली। चलो ठीक है अब आगे चलते हैं। कितना देर ये क्लास कितने बजे तक भला होती है? इससे पहले ना मेरी आज दो क्लास तक। अच्छा अब कंसेंट फॉर चिल्ड्रन एंड थोड़ा सा ही रह गया है एंड एडल्ट्स, उसके बाद है कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च राइट। अच्छा इतना सा है सिर्फ, देखो 14 स्लाइड्स सो इजी। अच्छा अब चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के हमने यही बात की थी ना कि बेसिकली हम लोग जो 16 टू 17 ईयर्स के लोग होते हैं देखो वो भी काफी सेंसिबल होते हैं 16 टू 17। आजकल तो बल्कि लड़कियां जो 16 17 ईयर्स की होती हैं इतनी माशाल्लाह वो बड़ी बड़ी लगती हैं और वो हर लिहाज से बहुत तेज है माशाल्लाह, मतलब बहुत एक्टिव है। ठीक है
अब ये देखो कि अब बेसिकली उनसे वो उनमें ही कैपेसिटी होती है कि वो कंसेंट दे सके, लेकिन आप उसके बरक्स सकते हैं 13 इयर्स या उससे छोटे बच्चे को ये एक्सपेक्ट करो कि वो दे तो वो नहीं, क्योंकि आप ये देखो कि इवन 10 इयर्स का बच्चा भी कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, इवन 11 12 तक भी आप ये देखो कि इतनी सेंस नहीं होती कि उसको समझ आ जाए कि क्या प्रोसीजर है और वो, तो ऐसे ही सूरत में आप किससे लेते हो कंसेंट? कोई भी गॉड। अच्छा बहुत ज्यादा मेरी बेटी इतना रोना डालती है, वो अब माशाल्लाह 4 इयर्स की हो गई है और वो इतना मतलब वो इतना डरती है हॉस्पिटल से और इंजेक्शन से, मुझे टाइफाइड के लगवाने थे उससे इतना रोना डाला, इतना रो इतनी मैं शर्मिंदा हुई ना, मैं लेके गई और उससे इतना तमाशा लगाया और साथ ही उसके फुफो का बेटा था उसने आराम से लगवा लिया और मुझे और फील होना शुरू हो गया, मैंने कहा मेरी बेटी क्यों इतना रो रही, वो भी बल्कि छोटा ही है 6-7 ईयर्स का, लेकिन वो माशाल्लाह वो जो है ना यार मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा कि वो ऐसे ही करती है आप तो, बल्कि एक तो हम भी तो डरा देते हैं, हम कहते हैं नहीं खाओगी तो इंजेक्शन लगवाएंगे, नहीं खाओगी तो उन्हें लगता है पता नहीं इंजेक्शन क्या चीज है, बस वो बहुत ही बंदा एम्बेरस हो जाता है बच्चे इतना रोला डाल रहे हो और सारा कुछ, बहुत बहुत शर्मिंदगी होती है, मुझे तो बहुत होती है सीरियसली, और हम लोग खुद भी इसके जिम्मेदार हैं, लाइक मुझे लगता है कि हम खुद भी बच्चों को शुरू से ही बहुत, और हम बच्चे हैं हम ऑब्वियसली बंदे को एक सर्टेन एज तक बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, अब तो है नहीं लगता, आप लोगों को लगता है, आपको भी नहीं लगता है, फिर आप रोना डालती हैं बहुत ज्यादा लगता है इससे, उस बेचारे के बाजू भी तो देखो ना उन्होंने क्या किया, चीखे मारना शुरू होगी, सही बताओ, नहीं मैं तो अब इतनी नीट होगी, मुझे तो इंजेक्शन लग रहा था ना तो मैं ऐसे देखती हूँ बस, बड़ा मजा आता है ऐसे वो राउंड करना, मतलब मैं बहुत डीट होगी एक्चुअली, मेरी माशाल्लाह बेटी है ना तो मैंने उसकी दफा इतने इंजेक्शन लगाए थे कि फिर मैं इतनी डीट होगी कि फिर ना मैं खुद ही डीटों की तरह ऐसे, जिस तरह वैक्सीनेशन के लिए तो बिल्कुल ही यहाँ लगाते हैं वो, आपको पता है कि वो आपने थोड़े से स्लीव इस तरह के पहन के जाने होते हैं कि यहाँ पे लगते हैं। अच्छा अब इसमें ये है कि आप ये देखो कि जिस तरह आपने एक बच्चे के लिए एक दफा कंसेंट ले लिया उसके पेशेंट से, मतलब सॉरी इसके पेरेंट से ले लिए, जिस तरह छोटा बच्चा है, अब उसमें ये है कि अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान टेस्ट वगैरह कराने पड़े लाइक जिस तरह ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या बच्चे का, तो उसमें अब ये है कि उसमें अब ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बार बार पेशेंट से पूछे, तो पेशेंट एक तो बार बार पेरेंट से पूछे, ठीक है आपने एक दफा पेरेंट को सारा बता दिया ना, स्टार्ट में बता दी कि इससे हम ये कर सकते हैं और पेरेंट ने एक दफा कह दी कि अच्छा आप ये सारा कुछ कर लो, ठीक है, तो उसमें अब ये है कि आप शुरू में एक दफा पेरेंट्स को एतमाद में ले लें, क्योंकि आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे ही बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, और ये है कि वो फिर इससे पेरेंट्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों के मामले में ना बहुत ज्यादा हर पेरेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो आप एक ही दफा उनसे सारा ले लो कि अगर हमने बीच में हमें ये भी कर सकते हैं, ये वाला ब्लड टेस्ट भी हम करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक है कि अगर आपने स्टार्ट में ही सारा कुछ पूछ लिया। आइडियली तो वैसे ये ज्यादा बेहतर है कि आप हर स्टेप पे दोबारा से ले लो, क्योंकि कितना टाइम लग जाएगा, हाँ ये अगर किसी बच्चे की सीरियस कंडीशन है तो ऑब्वियसली आप सारा वक्त तो नहीं ना फिर उससे पूछोगे, या उसकी कोई सर्जरी है अगर किसी बच्चे की है तो उसमें ये है कि ऑलरेडी वो फिर पेरेंट्स होते हैं डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, अगर कोई बच्चा छोटा और उसकी कोई सर्जरी हो अल्लाह ना करे हो, लेकिन वैसे अगर किसी की हो तो ये कि आप बिल्कुल उसमें ये है कि हर स्टेप पे जो है ना पेरेंट्स को आप फिर ना बताएं, एक दफा पूछते हैं कि हाँ मैं हमने ये प्रोसीजर करना है, क्योंकि अगर हर एक ही स्टेप का बताओगे ना तो वो पेरेंट्स बेचारे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कहेंगे कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो, ठीक है। वही जिस तरह बेहतर ये कि आप एडवांस में पेरेंट्स से लो और फिर ये कि हर स्टेप पे फिर पहले ही बता दो ना कि ये हो सकता है, आप फिर वो परमिशन, अब देखो कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, अब देखो कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जहाँ पे जिस तरह हमीद लतीफ में आप ये देखो कि आप सर्जरी वगैरह कराते हो तो वहाँ पे एनेस्थीसिया देने के लिए स्पेशली मौजूद होते हैं एनेस्थेटिक्स, ठीक है,
अब देखो पहली बात तो अगर देखो एक एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर खुद से मौजूद है तो उसमें ये है कि इसमें अब वो उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है कि अब वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉन्सेंट, ठीक है? आप जिस तरह देखो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं एनेस्थीसिया चला जाए तो डेथ भी हो जाती है क्या, ज्यादा एनेस्थीसिया की डोज हो जाए तो डेथ भी हो जाती है ना, एक डोज रखनी होती है, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो, एक स्पेसिफिक डोज रखनी होती है एनेस्थीसिया की, ज्यादा हो जाए डेथ हो जाती है। बिल्कुल एनेस्थीसिया मेरे ख्याल से जो लोग एनेस्थीसिया देते हैं उनका एक पता नहीं वो माशाल्लाह बहुत ही एक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसमें थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए ना तो आपको पता है कि अल्लाह माफ करे इवन डेथ के भी चांसेस होते हैं एनेस्थीसिया में। और ये स्पेशली आप ये देखो कि मेरा ना एक्चुअली एक्सपीरियंस है हमीद लतीफ का, बहुत बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस है, लेकिन वहां पे ये होते हैं कि वहां पे एनेस्थीसिया डिफरेंट डॉक्टर्स देते हैं और वो इवन जो सब बहुत छोटे कुछ मंथ्स के या जो इवन अल्लाह माफ करे ऐसे बच्चों की भी सर्जरीज होती है जो कुछ मंथ्स की होते हैं, कोई कंजेनिटल डिजीज हो गई उस तरह, तो उसमें ये होता है कि वो एनेस्थीसिया वालों की ये वैसे बंदा हैरानगुन बात है कि एक इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है कि वो हर हर बंदे और छोटे बच्चों से लेके मतलब छोटे बच्चों को भी एनेस्थीसिया देते। बिल्कुल हर एक को देख के देना होता है जिस तरह पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है, छोटा बच्चा है तो उसको कितना देना, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि अक्सर उसके बाद कमर में बैक बैक एक कीबोर्ड सेट कर किसमें बेटा, एपिड्यूरल? हाँ बेटा वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ मेरी बेटी की दफा मतलब वो थोड़ा सा मेरे साथ मसला हो गया था, तो जब मेरी सर्जरी हुई थी ना उसमें आप देखो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लाइक जिस तरह देखो उस वक्त मेरी कंडीशन इस तरह की थी कि थोड़ा सा माशाल्लाह मेरी बेटी हुई थी तो मुझे इतनी कोई उस वक्त ना जिस तरह बंदा पता ही है थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में होता है कि वो बता नहीं सकता, तो उसमें यही था कि उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरा नाम पूछा था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने बस कनूला के अंदर वो डाला था जो वो एक आए थे स्पेशल और उन्होंने कहा था आपका क्या नाम है, तो भी मैं बता ही रही थी और है या नहीं है, सिर्फ उसे ये पूछा था आपका नाम क्या है, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद आपने कहा था डॉक्टर रूज फातिमा या सिर्फ अरूज फातिमा? हाँ आपसे नाम जब पूछा आपने डॉक्टर कहा था अपने साथ? नहीं मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा क्या शौकी मारू, मैंने कहा मुझसे पूछा रोजे की कितनी डोज आपको देनी चाहिए, मैंने कहा मैं सिर्फ अरूज खाता, उस वक्त मुझे डॉक्टर क्या, मुझे अपनी जान की बड़ी भी थी आगे जाके हिसाब में तो नहीं ना पूछना कि डॉक्टर है या नहीं, मैं उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अरूज खाता मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा चलो बातें जाते करेंगे, लेकिन वो उससे बोला नहीं, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने आंखें खोली थी तो जनरल एनेस्थीसिया दिया था, तो उसके बाद मेरे सर में बस दर्द हो रही थी और कुछ भी नहीं, आईसीयू में थी, फिर मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक ला दो बहुत ज्यादा बीमार लग रही है, तो कही थी तो अल्लाह का नाम है, मैंने कहा ले लूँ कि अल्लाह का नाम भी कुछ नहीं होता, फिर मिलने लोग आना शुरू हो गए, मेरे टीचर मिल गए मुझे सीएमएच के, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही, मैंने कहा इतनी बुरी लगी, मैंने कहा थोड़ा फेस पाउडर लगाऊंगी लिपस्टिक विपस्टिक लगाऊंगी, जी हाँ लोकल एनेस्थीसिया का डिफरेंस है बिल्कुल, उसमें ये होता है कि लोकली आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना एक पोर्शन में, और ये कि जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन वैसे जनरल एनेस्थीसिया का ये है कि शुक्र है उसमें ये भी पूछते हैं कि आपने कुछ खाया तो नहीं है कुछ घंटों से, क्योंकि वो फिर नौजिया वगैरह वॉमिटिंग का शुरू होते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में वैसे अल्लाह माफ करें, लेकिन ये बहुत मजा है कि आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आराम से मुझे लगा मैं सो गई हूँ बस, और मैं उठी और फिर मैं उठ गई दोबारा से, मतलब ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग कहाँ आना। अच्छा इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर रिसर्च, अब देखो बेटा अब ये जो हम लोगों ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की, अब अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है जिस तरह यूएचएस में अक्सर लोग पेशेंट्स पे करते हैं, मेरी रिसर्च तो खैर डैड्स पे थी इन वीवो, लेकिन आप जो है ना ये पेशेंट्स वगैरह में वो करते हैं, तो रिसर्च में भी ये सारी चीजें आती है कि आप पेशेंट से अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये देखो जिस तरह वैक्सीनेशन के ट्रायल्स वगैरह हुए थे, तो उसमें भी ये होता है कि कोई अपनी मर्जी से आके लगवाना चाहता है तो लगवाए, उसमें ये नहीं होता, और इसमें ये कि आपने थोड़ा बहुत बताना होता है कि ये हो सकता है कि आपको लगवाने के बाद थोड़ी थकावट महसूस हो या आपको बुखार हो, ताकि वो बंदा ना परेशान ना हो जाए कि मैंने क्या, और ये
और बेसिकली उसमें यही होता है कि जिस तरह UHS में उन्होंने ट्रायल्स भी शुरू किए थे तो वो उसमें पैसे देते थे पेशेंट को, मतलब कोई अगर आके कहते हैं ना कि मैंने लगवानी है तो पता नहीं 8,000 इस तरह करते। ये भी तरीके होते हैं ताकि पेशेंट खुद से आए, जिस तरह गरीब बंदा उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है ना। बिल्कुल, और ये और इससे ये होते हैं कि जो जिसके पास देखो इतने रिसोर्सेज नहीं है उसके लिए तो 8,000 बहुत है। तो लेकिन ये कि आप ये भी ध्यान रखो कि कोई ऐसी भी ड्रग ना देना शुरू हो जाओ ना जो लीथल हो, कि अपनी रिसर्च में ऐसी ड्रग ना दो रखो कि आप अगले बंदे को तो नहीं ना पता। अब जिस तरह वैक्सीनेशन है इससे माशाल्लाह किसी को कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थकावट या बहुत ज्यादा तो बुखार। तो इस तरह के रिसर्च में इस तरह के आपको टॉपिक्स रखने चाहिए कि किसी को भी नुकसान ना हो, चाहे माफ करे बंदे नहीं मारना शुरू कर देने। अच्छा, राइट टू रिफ्यूजल, अब ये एक ऑब्वियसली, अब ये देखो जिस तरह आपने पहले भी ये बात की है कि आप एक पेशेंट जो है अब ये उसका राइट होता है, आपने इस तरह राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी होंगी, SCP में भी पढ़ी है ना, कौन से SCP में पढ़ी है, वाला वन में शायद। तो ये पेशेंट का राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। आपने पेशेंट की ना बात दिल पे नहीं लेनी, ऑफेंड नहीं होना बिल्कुल भी, जी नहीं ये पेशेंट क्यों ऐसे कर रही है, पेशेंट को राइट दो के वो, आपने बस पेशेंट के साथ सेल्फलेस होके बात करनी है कि मतलब आप इस तरह हो जाओ कि आपने बस इसका भलाई करनी है, अपना ये नहीं कि वो रिफ्यूज करे तो नाराज होके बैठ जाओगे नहीं अब मैंने इसके बाद नहीं चेक करना आपको, आपने क्यों रिफ्यूज किया, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। ठीक है, आज का ऐसा लेक्चर छोटा आसान था, बस देखो मेरा yes, ma'am. अब नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना सारे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना बेटा, आप ठीक हो ना, मैम आपने मैम पाइका से बात की थी कोई? कौन सी बात मैम? वही जो क्लैश वाला है मैम, कोई हल निकला इस मसले का? यस मैम, मानूर रहमान। मेरी बात सुनो, जिन जिन बच्चों का क्लैश है ना वो मुझे आज मेल कर दे। ओके मैम, अटेंडेंस लगा साथ ना, और साथ यूं करो कि टाइम टेबल भी साथ प्रूफ भी मेल करना। मैम मैंने की थी, मैं आपको ईमेल भी मेल भी कर दूंगी, उसको रीसेंड कर देती हूं आपको, और कर दो ना आज कर दो। ठीक है मिस, मैं ऐसे लेती हूं क्लास के हाफ टाइम, आपकी हाफ टाइम मिस फाइका की तो कोई इशू तो नहीं है, मैं तो दूसरा वीक का ऐसे ही ले रही हूं। फाइका मिस फाइका ने मेरी थी जी मिस। अक्सा आप मुझे मेल कर दो बेटा। जी ठीक है मिस, जी ठीक है मिस। आज 22nd है, 22nd है। अब जो बंदा जस्टिस से ना है ना अपने आगे मतलब नाम के आगे डेट लिख दे, जिस तरह आप आज की भी डेट लिखो और पिछली भी लिखो।